अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक। मैथ फिजिक्स में हम चैप्टर नंबर 9 ट्रांसफर ऑफ फील्ड पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आज टॉपिक पढ़ा है कन्वेक्शन। हमने ये बात पढ़ी थी कि मॉडल ऑफ ट्रांसफर ऑफ फील्ड तीन है, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो आज हमने क्या स्टार्ट करना है, आज हमें स्टार्ट करना है कन्वेक्शन का टॉपिक। तो भाई द मॉडल ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट है कि अगर आप रूम के एक कोने के अंदर कोई परफ्यूम स्प्रे करो तो वो परफ्यूम के मॉलिक्यूल खुद चलते हुए दूसरे कोने तक आते हैं जब हमें उसकी खुशबू फील होती है। तो भाई क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल कॉन्टिन्यूस मोशन में होते हैं, इसलिए वो जो हीट को ट्रांसफर करते हैं वो कंडक्शन के जरिए से करते हैं। गैस के मॉलिक्यूल कंडक्शन नहीं करते, कंडक्शन सिर्फ सॉलिड करती है। ठीक है, जो फ्लूइड है उनमें जो हीट एनर्जी ट्रांसमिट होती है वो किस तरह से होती है, वो कन्वेक्शन के जरिए से होती है। और फ्लूइड्स में दोनों चीजें आती हैं, लिक्विड भी और गैसेज भी। तो भाई यहाँ पे कन्वेक्शन की एग्जांपल उन्होंने दी है कि जो हमारे पास एक वो बलून होता है, वेदर बलून जिसे कहते हैं, उसके अंदर गैस भरी होती है। अब वेदर बलून के अंदर कंटेन होने की वजह से यहाँ पे इस जगह के ऊपर वेदर बलून के अंदर गैस भरी होने की वजह से गैस के मॉलिक्यूल इधर उधर तो जा नहीं सकते। तो अगर यहाँ पे बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल है और वो एटमोस्फेयर से लाइटर है, उनकी डेंसिटी एटमोस्फेयर से कम है, जैसे कि हीलियम गैस, तो उस सूरत में वो क्या करते हैं, अपथ्रस्ट लगाते हैं, जिसकी वजह से ये जो बैलून है ये बकेट्स में ऊपर की तरफ उठता चला जाता है। तो भाई जो बैलून के अंदर गैस मॉलिक्यूल है वो खुद ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो इसलिए वो साथ बैलून को भी ऊपर की तरफ उठाती हैं और ट्रैवल करते हैं। ये बात की इस बात की एग्जाम्पल है कि गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वेक्शन होती है और गैस के मॉलिक्यूल्स कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा फिर नेक्स्ट उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि हमारे पास एक और फ्लूइड है, जिसके पानी की एग्जांपल ये है कि लेट्स से बीकर है या कोई भी कंटेनर है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। यहाँ पर भाई पानी के अंदर अगर आप कहीं इंक गिराते हो तो आप देख सकते हो कि इंक किस तरीके से इस पानी के अंदर नीचे जाते हुए फैल रही होती है, ऐसा ऐसा मिक्स होके पूरे पानी के अंदर जो है सॉल्व हो जाती है और एक सर्टन शेड हासिल कर लेती है। तो भाई यहाँ पे ये एक और एग्जाम्पल है जिसके अंदर मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट किया गया। वेरी बात है, अगर मैं कहता हूँ कि एटम वाइब्रेट कर रहे हैं तो वो नेबरिंग एटम को हीट ट्रांसफर कर सकते हैं, कलर तो ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर कलर ट्रांसफर हो रहा है तो इसका मतलब है कलर मॉड्यूल खुद से मूव कर रहे हैं। तो ये कोर एक्सप्लेनेशन है किस तरीके से फ्लूइड के अंदर जो है वो मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में होते हैं और जो है इस फिनोमेना की वजह से जो हीट ट्रांसफर होती है उसे हम कन्वेक्शन कहते हैं। अच्छा, इस तरह की जो मोशन है ना जिसमें रैंडम मोशन होती है उसको एक और नाम भी देते हैं, वो है ब्रोनियन मोशन। ठीक है, तो जो कंटिन्यूसली रैंडम मोशन में होते हैं किसी भी फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स उसको हम ब्रोनियन मोशन भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट 9.1 जिसमें हमें कन्वेक्शन करंट्स को एक्सप्लेन करना है। एक्सपेरिमेंट 9.1 क्या है, लेट्स से आपके पास यहाँ पे इस जगह के ऊपर एक कंटेनर है इस तरीके से, और इस कंटेनर के अंदर आपने दो होल्स किए हुए हैं, एक होल यहां पे है और एक होल इस जगह के ऊपर मौजूद है। और आपने इस जगह के ऊपर यहां पे इसके नीचे एक मोमबत्ती जला रखी है, और आप क्या करते हो कि यहां से इस जगह से कोई स्मोक जो है वो इस जगह के ऊपर फैला देते हो। तो आप देखोगे कि जब आप इस कंटेनर में एक सर्टन होल के नीचे मोमबत्ती जलाओगे और दूसरे होल के ऊपर कोई क्लाउड या फिर कोई भी धुआं जो होगा वो रखोगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई लकड़ी जला के उसका धुआं रख सकते हो या कुछ भी कर सकते हो, तो आप देखोगे कि ये धुआं यहाँ से इसके अंदर जाएगा और इस तरह से क्या कर रहा होगा, बाहर निकल रहा होगा। जो इस बात का सबूत होगा कि जब हीट ये गैस के हीटअप होते हैं तो क्या करते हैं, ऊपर की तरफ उठते हैं। तो एक मिनट वेट करना जरा।
अच्छा जी, तो यहाँ पे इस बात का सबूत है कि गैस के मॉलिक्यूल्स हीट अप होकर ऊपर की तरफ उठते हैं, दैट मींस हीटेड मॉलिक्यूल खुद इस एनर्जी को कंटेन करके एक जगह से दूसरी जगह तक जाती हैं। अब इसके बाद हम आ रहे हैं कन्वेक्शन करंट्स इन एयर की बात। कन्वेक्शन करंट इन एयर की बात यह है कि आपने अक्सर देखा होगा कि जब गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो जब गर्मी एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचती है तो उसके बाद एकदम से आंधी आती है और साथ बारिश होती है। तो उसकी वजह यह है कि जिस जगह के ऊपर बहुत ज्यादा गर्मी होती है वहां पे गैस के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, तो हीट अप होकर ऊपर उठते हैं और इर्द गिर्द के इलाकों से जो ठंडी हवा है वो उस इलाके की तरफ चलती है, जिसकी वजह से आंधी आती है। ठीक है, तो जारी बात है कि इसी हीट डिफरेंस की वजह से गर्म होने वाले मॉलिक्यूल जब ऊपर उठे हैं तो वो खुद मूव किए हैं और कन्वेक्शन हुई है और इर्द गिर्द से ठंडे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उसकी जगह लेने के लिए वहां पे आए हैं। तो हमारा पूरा एटमॉस्फेयर एक विंड इंजन समझ लो, जिसमें जब भी किसी जगह पे गर्मी ज्यादा होती है तो वहां से हवा ऊपर की तरफ उठती है और इर्द गिर्द के ठंडे इलाकों से हवाएं उस तरफ चलती हैं और आंधियां वगैरह जनरेट होती है। जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ही यहाँ पे ये एयर करंट ज्यादा स्ट्रांग होंगे। ठीक है जी, सो अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है यूज ऑफ कन्वेक्शन करंट्स। अब यूज ऑफ कन्वेक्शन करंट क्या है, इसकी एग्जांपल है कि हम क्या करते हैं अपने घरों को ठंडा कर रखने के लिए भी जो है वो विंड कन्वेक्शन का सहारा लेते हैं। फॉर एग्जांपल गर्मियों में हम रूम कूलर लगाते हैं, रूम कूलर से क्या होता है कि जो ठंडे हवा के मॉलिक्यूल हैं वो खुद ट्रेवल करते हुए आते हैं और ट्रेवल करते हुए आके किसी जगह पर ठंडक पहुंच जाते हैं। एसी की बात करें तो एसी के अंदर से गुजरते हुए गैस के मॉलिक्यूल ठंडे हो जाते हैं और वो ठंडे मॉलिक्यूल ही आगे जो है वो पूरे कमरे में सर्कुलेट करके पूरे कमरे को ठंडा रखते हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ हीटर्स की तो हीटर भी यही काम करते हैं कि किसी एक जगह के मौजूद गैस के मॉलिक्यूल्स को गर्म करते हैं और वो ट्रेवल करके दूसरी जगह आ जाते हैं और ठंडे मॉलिक्यूल्स ले जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे हमारे कमरे ठंडे रहते हैं। अब उसके बाद इसी एक्सप्लेनेशन को हमें आगे लैंड एंड सी ब्रिजेस में एक्सप्लेन कर देना है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ डे टाइम की। लेट्स से मैं कहता हूँ कि एक जगह है जिसमें एक जगह के ऊपर पानी और दूसरी जगह के ऊपर खुश्की है। लेट्स से ये सी है और ये जो है ये लैंड है। सो अब दिन का टाइम है, सूरज की गर्मी जमीन पे पड़ रही है, लेकिन पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, लैंड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू बहुत कम है। इसका मतलब है यहाँ पे जो है हाई टेम्परेचर हो जाएगा और यहाँ पे कंपेरेटिवली लोअर टेम्परेचर होगा। तो भाई एक जगह के ऊपर टेम्परेचर हायर हो जाएगा और दूसरी जगह के ऊपर लोअर हो जाएगा। सो भाई यहाँ से हवा गर्म होके क्या करेगी, ऊपर की तरफ उठेगी और इसकी जगह लेने के लिए समंदर से ठंडी हवा जो है वो इस तरफ आएगी। तो यही वजह है कि जो साहली इलाके फॉर एग्जाम्पल काशी वगैरह और इस तरह की जगह है वहां पे एक्सट्रीम गर्मी नहीं पड़ती, क्योंकि जब वहां पे खुश्की पे गर्मी होती है तो वो हवा ऊपर उठती है और समुद्र से ठंडी हवा जो है उसकी जगह ले लेती है। अब ये हवा क्योंकि समुद्र से आ रही है इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सी ब्रीज। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सी ब्रीज। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ नाइट की, तो नाइट में अगर मैं कहता हूँ कि लेट्स से ये समुद्र है और यहाँ पे ये खुश्की है, ये लैंड है और ये है सी, तो अब क्या होगा कि अब ये होगा कि खुश्की की जो उसके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू बहुत ही ज्यादा लो है, तो इस लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वजह से जो लैंड का पोर्शन है वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे टेम्परेचर लोअर हो जाएगा और यहाँ पे टेम्परेचर कंपेरेटिवली हाई होगा। ठीक है, उतना हाई नहीं होगा जितना दिन का टाइम लैंड का हो गया था, लेकिन फिर भी अब लैंड इस तरह ठंडी हो चुकी है कि यहाँ पे समुंदर उससे रिलेटिवली हाई टेम्परेचर के ऊपर मौजूद है। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे समंदर पे हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी और खुशकी से हवाएं क्या करेंगी, वो उस सी की तरफ चलेंगी ताकि वो उसकी जगह ले सकें। तो भाई रात के टाइम जो हवाएं चलती हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लैंड ब्रीज। साहली इलाकों की तरफ बात हो रही है, तो इस तरीके से दिन और रात के टाइम हवाएं चलने की वजह से, हवाएं चलने की जो वजह है वो क्या है, वो कन्वेक्शन है। तो यहाँ तक अगर कोई भी बात नहीं समझ में आई तो पूछ लीजिए, अब हमें रीडिंग करनी है टॉपिक। सर लैंड का टेम्परेचर हाई क्यों नहीं होगा सी के जरिए रात को?
हाँ जी बेटा, लैंड का टेम्परेचर इसलिए हाई नहीं होगा कि हमने पढ़ा था कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक सर्टेन टर्म होती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? वो होती है डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी। लेट्स से मैं कहता हूँ कि अगर मास कितना है, एक किलोग्राम है, कितना मास है, एक किलोग्राम है, और आपने किसी चीज की टेम्परेचर कितना बढ़ाना है, एक केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना है, तो भाई पानी के लिए एनर्जी चाहिए होती है 4200 जूल, जबकि लैंड के लिए इतनी एनर्जी नहीं चाहिए होती। लैंड हो सकता है, बुक से देखना पड़ेगा कि क्या वैल्यू होती है इसकी, हो सकता है लैंड की वैल्यू सिर्फ 500 जूल हो। तो इस बात का मतलब है कि अगर लैंड के हर एक किलोग्राम को 500 जूल एनर्जी दोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और 500 जूल एनर्जी लेते जाओगे हर किलोग्राम मास से उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा। लेकिन पानी के एक किलोग्राम पर टेम्परेचर बढ़ाने या कम करने के लिए उसे 4200 जूल एनर्जी देनी या लेनी पड़ती है, इस दौरान टाइम ज्यादा लगता है। तो भाई दिन के टाइम जब मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, तो भाई लैंड बहुत जल्दी 50 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाती है, लेकिन जो पानी है वो 50 तक पहुंच नहीं पाता। वो हो सकता है लेट्स से मैं कहता हूँ 35 या इवन 40 तक भी पहुंच जाता है। तो भाई हवा कहाँ की ज्यादा गर्म है? लैंड की हवा ज्यादा गर्म है, वो ऊपर उठेगी, और समंदर का पानी जो है वो उस ठंडा होने की वजह से वहां पे हवा भी ठंडी होगी और वो खुश्की की तरफ चलेगी। अब मैं कहता हूँ रात का टाइम है, रात के टाइम यहाँ पे टेम्परेचर कितना हो गया, 30 हो गया। अब लैंड बहुत जल्दी वो एनर्जी डिलीवर करने के बाद 30 पे आ जाएगी, लेकिन जो हमारे पास पानी है वो अभी तक लेट से मैं कहता हूँ 35 पे होगा। अब क्या होगा, अब यहाँ पे हमारे ऊपर उठ रही होंगी और इधर वापस चल रही होंगी, या मैं कहता हूँ कि लेट से चलो रात को टेम्परेचर कितना हो गया, 20 हो गया, लैंड बहुत जल्दी 20 टेम्परेचर पे आ जाएगी, लेकिन पानी हो सकता है 35 से कम होके 30 पे आ जाए, लेकिन फिर भी कंपेरेटिवली पानी हायर टेम्परेचर पे होगा। क्यों? क्योंकि इसे टेम्परेचर डिक्रीज करने के लिए लैंड को इस वक्त बहुत ज्यादा जो है वो गिव आउट करनी पड़ती है। तो ये वजह है पानी दिन का टाइम ज्यादा गर्म क्यों नहीं होगा और रात का टाइम ज्यादा ठंडा क्यों नहीं होगा। समझ में आया साहब? यस सर। और भाई अबू बकर कुछ कह रहा था? सदी जून साहब ने कन्वेक्शन में बनाया है, इसके बैलून के अंदर कौन सी गैस भरेंगे हम? बेटा आमतौर पे हीलियम गैस होती है, हीलियम गैस का इसकी डेंसिटी एटमॉस्फेयर से कम है इसलिए वो ऊपर की तरफ उठती है। देखो ना पानी के अंदर की बात कर लेते हैं, पानी जिस चीज की डेंसिटी पानी से ज्यादा है वो पानी में डूबती है, और जिसकी पानी से कम है वो पानी में तैरती है। तो ये काम गैस में भी अप्लाई होता है, जो चीज गैस से ज्यादा डेंसिटी होगी वो डेंस होगी वो नीचे की तरफ आएगी, और जो गैस से कम डेंस होगी वो ऊपर की तरफ जाएगी। वही आमतौर पर हीलियम गैस हमें भरी जाती है। शुरू शुरू में जब वो बड़े बड़े बैलून ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होते थे, तो इनिशियली उन्होंने ना एक बैलून में हाइड्रोजन गैस भरी थी जो हीलियम से भी हल्की होती है, कम डेंसिटी वाली होती है, लेकिन उसको एक्सीडेंट हो गया था, जरा सा स्पार्क हुआ था और पूरा जहाज जो हवा में जल के खाक हो गया था, ठीक है, सारे लोग मारे गए थे उसके अंदर। तो इस वजह से हाइड्रोजन गैस यूज नहीं होती, हालांकि वो सबसे बेस्ट है, लेकिन क्योंकि वो आग पकड़ लेती है, हाइड्रोजन के साथ मिलकर H2O पानी के वेपर्स बनाना शुरू कर देती है, इसलिए आप उसे यूज नहीं कर सकते। तो आमतौर पे हीलियम यूज होती है, ठीक है। जो आमतौर पे आपको बैलून मिलते हैं बच्चों को खेलने वाले, उनमें भी असूलन हीलियम होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन क्योंकि वो महंगी आती है इसलिए आमतौर पे जो सुई गैस है या नेचुरल गैस है या LPG है इसके सिलेंडर ले आते हैं और वो भरते रहते हैं। आपने देखा होगा कि जब कभी बैलून फटता है तो हल्का सा उसको आग लगती है, मतलब एक लम्हे को, या अगर आप धागे के साथ बाजू का क्या करते हो आग लगा के बैलून को छोड़ देते तो ऊपर जाके धमाका होता है, बैलून को आग लगती है तो फट जाता है। तो भाई वजह यह होती है कि उन्होंने हीलियम नहीं भरी हुई, उन्होंने नेचुरल गैस भरी हुई है, मीथेन इथेन ब्यूटेन या प्रोपेन भरी हुई, ठीक है, तो इस वजह से वो आग पकड़ लेती है। सर LPG हीलियम से ज्यादा जल्दी गैस नहीं पकड़ता? सर आपकी ना आवाज बहुत कट गई है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, दोबारा बोलो। सर LPG हीलियम से ज्यादा जल्दी नहीं जल जाता? बेटा हीलियम आग नहीं पकड़ती, हीलियम नहीं जलती, हाइड्रोजन जलती है। हाइड्रोजन से ज्यादा जल्दी? नहीं नहीं, हाइड्रोजन बहुत रैपिडली जलती है, जो हमारी ये नेचुरल गैस आपकी आवाज कट कट के आ रही है। अच्छा जो बात समझ में नहीं आई वो पूछ लो, आप क्या कर सकते हैं, नेटवर्क का इशू तो नहीं है। सर सर इसकी सर ये फटने का सर इसके चांसेस नहीं होते अगर ज्यादा गैस भरी जाए? बेटा अगर इसमें से थोड़ी सी गैस लीकेज होगी ना तो ये पैराशूट की तरह नीचे आएगा, तो अगर आपने इसको नीचे लाना तो इसके नीचे जलने वाली आग को आप बंद कर लेते हो, जो आग जलाई होती है आपने इसके नीचे, मतलब यहाँ पे ना इस जगह के ऊपर आपने सिलेंडर रख के आग जलाई होती है ताकि गैस गर्म होकर ऊपर उठती रहे,
जब आपने इसको नीचे लाना है तो आग बंद कर देती है, या इवन लीकेज भी होगा तो ऐसा छूट कर नीचे आ जाएगा। सर वो अपनी गैस लूज कहाँ से करता है फिर आहिस्ता आहिस्ता? बेटा जब यहाँ पे इस जगह के ऊपर गैस के मॉलिक्यूल यहाँ से इस जगह से ऊपर जा रहे होंगे तो साइडों से गैस के मॉलिक्यूल बाहर भी आ रहे होंगे। और नहीं सर बस थैंक यू। अबू बकर रीडिंग करो, आज हमने पढ़ा कन्वेक्शन पेज नंबर 199 से रीडिंग करो। लिक्विड एंड गैस और बेटा रुक जाओ आपकी ना आवाज कट रही है, क्लियर नहीं आ रही, तो नेटवर्क प्रॉब्लम आपकी तरफ ना हो। अनस आप पढ़ो सर। कन्वेक्शन हाँ। लिक्विड्स एंड गैसेस आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, हाउएवर हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू फ्लूइड्स लिक्विड और गैसेस इजीली बाय अनदर मेथड कॉल्ड कन्वेक्शन। व्हाई अ बलून इन्फ्लेटेड with hot air as shown in figure 9.6 rises up, a liquid or a gas become lighter, less dense as it expands on heating. Hot liquid or gas rises up above the heated area. The cooler liquid or gas from the surrounding fills the place which in turn is heated up. In this way all the fluid is heated up, therefore transfer of heat through fluids take place by the actual movement of heated molecules from hot to cold parts of the fluid. Transfer of heat by actual movement of molecules from hot to a cold place is known as convection. Experiment 9.1. Take a beaker and fill two-thirds of it with water. Heat the beaker by keeping a burner below it. Drop two or three crystals of potassium permanganate in the water. It will be seen that colored streaks of water formed by the crystals move upwards above the flame and then move downwards from sideways as shown in figure 9.7. These colored streaks show the path of currents in the liquid. Why the liquid currents stop on removing the burner under the beaker? When the water at the bottom of the beaker gets hot, it expands, becomes lighter and rises up, while the cold but denser water moves downward to take its place. Convection currents in air. Gases also expand on heating, thus convection currents are easily set up due to differences in the densities of air at various parts in the atmosphere. This can be observed by a simple experimental setup as shown in figure 9.8. Can you explain it? Use of convection currents. Convection currents set up by electric gas or coal heaters help to warm our homes and offices. Central heating systems in building work on the same principle by convection currents occur on a large scale in nature. The day-to-day temperature changes in the atmosphere result from the circulation of warm or cold air that travels across the region. Land and sea breezes are also our example of convection currents. Land and sea breezes. Why does sea breeze blow during the day? Why does the land breeze blow in the night? Land and sea breeze are the result of convection. On a hot day, the temperature of the land increases more quickly than the sea. It is because the specific heat of land is much smaller as compared to water. The air above land gets hot and rises up. Cold air from the sea begins to move towards the land as illustrated in figure. It is called sea breeze. At night, the land cools faster than the sea. Therefore, air above the sea is warmer, rises up, and the cold air from the land begins to move towards the sea as illustrated in figure 9.10. It is called land breeze. How do the land breeze help to keep the temperature moderate in coastal areas? हमें coastal areas में कैसे ही करती है ये बात मैं explain कर चुका हूँ, कोई confusion है तो पूछें। सर क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैगनेट का मतलब क्या है? बेटा एक कंपाउंड है पोटेशियम पर मैगनेट, ठीक है, इसका जो फार्मूला है केमिकल फार्मूला वो होता है KMnO4। ये एक मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला है KMnO4, इसे कहते हैं पोटेशियम पर मैगनेट। ये ना जंक किलर के तौर पे यूज होता है, तो इसलिए बहुत ज्यादा पानी में इसके चंदे क्रिस्टल डाल देते हैं जो रेड या पिंकिश कलर की होती है,
तो पूरे पानी में मिक्स हो जाती हैं और पिंक सा कलर देती हैं, तो ये है पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, सर कलर्ड स्ट्रीक्स का मतलब क्या है? कलर्ड स्ट्रीक्स, स्ट्रीक्स कहाँ लिखा है? हाँ ठीक है, ये हमारे पास जो है पेज नंबर 200 पे जो दूसरी लाइन में कलर्ड स्ट्रीक है, स्ट्रीक का मतलब लाइन। ठीक है, वैसे जिस तरह विन स्ट्रीक नहीं होती आपकी एक के बाद दूसरे एक के बाद दूसरे, तो इसी तरीके से उन्होंने बताया कि क्योंकि हमारे पास ये कलर लाइन की सूरत में नीचे जाता हुआ दिखाई देगा तो इस लाइन को उन्होंने स्ट्रीक्स कहा। सर इलस्ट्रेटेड, इलस्ट्रेटेड डेमोंस्ट्रेटेड शोन। ओके जी, वाइंड अप करें लेक्चर को। यस सर। ओके बच्चों, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। फिलहाल के लिए इतना ही था। यस सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।